AIB 18 की रिवाइज्ड आंसर की रिलीज होने के बाद क्या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन उन सभी कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कराएगा, या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जो क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं उन क्वेश्चंस के नंबर्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कम कर देगा। नमस्कार दोस्तों, लीगल टेंशन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जो रिवाइज्ड आंसर की रिलीज की गई है, AIB 18 की जो रिवाइज्ड आंसर की रिलीज की गई है, क्या उसमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपको ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कराएगा, या ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जो 100 नंबर्स का एग्जाम कराया गया है क्या उस 100 नंबर्स के एग्जाम को कम कर देगा। चूंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा हाल ही में एक रिवाइज्ड आंसर की रिलीज की गई है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा डिलीट कर दिए गए हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भूलिएगा। वीडियो पूरी देखिएगा तभी आप आसानी से समझ सकते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो अभी हाल ही में 18 की परीक्षा हुई है, परीक्षा होने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो रिवाइज आंसर की रिलीज की है, इसके बाद वो सभी कैंडिडेट जो सोच रहे थे कि भैया हम फेल हो जाएंगे, हमारे 45 नंबर्स नहीं काउंट हो पा रहे, उन सभी के लिए एक उम्मीद की किरण जगा दी है कि भैया वो भी पास हो सकते हैं। बैक टू द टॉपिक चलते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अभी हाल ही में AIB 18 की परीक्षा कंडक्ट आई है। आप सभी लोगों ने परीक्षा दी थी। परीक्षा देने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने एक आंसर की रिलीज की। आंसर की रिलीज करने के बाद उन सभी कैंडिडेट्स में संशय पैदा हो गया जिन कैंडिडेट्स द्वारा AIB 18 की परीक्षा दी थी। परीक्षा देने के बाद वो सभी कैंडिडेट्स चेक कर रहे थे कि हमारे कितने आंसर सही हैं और कितने आंसर गलत हैं। लेकिन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा जैसे ही अपनी आंसर की रिलीज की, आंसर की रिलीज करने के बाद वो सभी कैंडिडेट संशय में चले गए कि भैया हम तो अपने आंसर इतने सही लगा रहे थे, लेकिन ये जो आंसर की आई है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की, ये आंसर की अपने आप में ही गलत है। आंसर की रिलीज होने के बाद कैंडिडेट्स को आभास हो गया कि भैया ये आंसर की गलत है। उनके द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पे ईमेल किए गए, फोन किए गए, बहुत सारे जो भी सोर्सेस ऑफ कांटेक्ट थे, जिस तरीके से भी वे लोग कांटेक्ट कर सकते थे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से, उन सभी लोगों द्वारा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से कॉन्टैक्ट किया गया। लेकिन कॉन्टैक्ट करने के बाद भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को पता लग गया कि भैया हाँ वाकई में हमने जो आंसर की रिलीज कर दी है उसमें वाकई में कुछ ना कुछ लोचा है, कुछ ना कुछ पंगा है। उसके बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अपनी जो वेबसाइट है उस पर एक पोर्टल लॉन्च कर दिया कि भैया आपको इस जो आंसर की आई है, आपने जो AIB 18 की परीक्षा दी है, इससे संबंधित कोई भी समस्या है, कोई भी सुझाव है, या आपको लगता है ये क्वेश्चन गलत है, तो आप इस पोर्टल पे जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी प्रोसेस था उस प्रोसेस के थ्रू आप अपनी कंप्लेंट वहां पे कीजिए। कैंडिडेट्स द्वारा भर भर के कंप्लेंट की गई, भर भर के अपने को बताया गया कि भैया ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन सही है, इस तरीके की जितनी भी कंप्लेंट जितने भी कैंडिडेट्स कर सकते थे उन सभी सोर्सेस के थ्रू ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से उन लोगों ने कंप्लेंट की। कंप्लेंट मिलने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो लिमिटेड टाइम दिया था, शायद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने 20 दिसंबर तक का टाइम दिया था कि 20 दिसंबर तक आप अपनी कंप्लेंट इस पोर्टल पे कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बाद बहुत सारी कंप्लेंट आने लग गई, तो उन्होंने एक अलग से पोर्टल लॉन्च कर दिया जो मैंने पहले वीडियो बना चुका हूँ जिसमें बता चुका हूँ कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन उसमें भी कहा कि भैया आपको अगर फिर भी कोई कंप्लेंट है तो आप इस पोर्टल पर कर सकते हैं। लेकिन कंप्लेंट करने के बाद ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अभी तक कुछ भी अपडेट्स नहीं दी थी। कैंडिडेट्स को ऐसा लगने लग गया कि भैया ये जो अभी हमने जो कंप्लेंट की है, कंप्लेंट करने के बाद हो सकता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन इन पे एक्शन ना ले और हो सकता है रिजल्ट ही डिक्लेयर कर दे। लेकिन अभी हाल ही में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने अपना एक जो रिवाइज्ड आंसर की है वो रिलीज की है। होली से पहले ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने रिवाइज्ड आंसर की रिलीज की है और उन सभी कैंडिडेट्स के लिए एक खुशखबरी दे दी है जो सोच रहे थे कि भैया हम फेल हो जाएंगे, हम पास नहीं होंगे क्योंकि हम 45 मार्किंग्स नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन तो जो रिवाइज्ड आंसर की रिलीज की है उसमें समथिंग 7 क्वेश्चंस तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा डिलीट कर दिए गए हैं और समथिंग 5 क्वेश्चन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने उनके आंसर चेंज किए हैं। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो 7 क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं उनमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 28,
क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 84, ये क्वेश्चन हैं, टोटल 7 क्वेश्चन हैं, ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा अपनी जो आंसर की है, जो एग्जाम कराया था 100 नंबर्स का, उसमें से डिलीट कर दिए हैं। दोस्तों मैं फिर निवेदन करता हूं, आप पूरी वीडियो देखिएगा तभी आप समझ सकते हैं। आप आधी वीडियो देखते हैं और कमेंट में लिखते थे कि सर आपने ये प्रॉपर सही तरीके से नहीं बताया, ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो पूरी वीडियो देखिएगा तभी आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये 7 क्वेश्चन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा डिलीट कर दिए और 5 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 30, 35, 51 और 52, ये 5 क्वेश्चन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा इनके आंसर अपनी वेबसाइट पे जो आंसर की दी थी उसमें सही किए। जो क्वेश्चन सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने पुरानी आंसर की थी, यानी पहली जो आंसर की थी उसमें ए सही था, अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने डी सही कर दिया। तो ऐसे करके ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने 5 क्वेश्चन के आंसर सही किए। अब प्रश्न ये आ रहा है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो AIB 17 की परीक्षा कंडक्ट कराई थी और जो AIB 18 की परीक्षा कंडक्ट कराई है, इन दोनों में एक गैपिंग कर दिया है। गैपिंग ये कर दिया है कि AIB 70 में जो पासिंग मार्क्स थे जनरल OBC के जो कैंडिडेट्स के लिए पासिंग मार्क्स थे वो 40% थे, और AIB 18 में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने पासिंग मार्क्स कर दिया 45, अदर के लिए 40 और जनरल और ओबीसी उनके लिए, जनरल ओबीसी के लिए 45 और अदर के लिए 40। तो सभी कैंडिडेट्स के भैया दिमाग में संशय आ गया कि भैया हम पास होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि अब ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो परीक्षा कराई है ये परीक्षा बड़ी ही टफ कर दी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने। भाई हम सोच रहे थे 40 पे पास हो जाएंगे, लेकिन अब जो परीक्षा हुई है ये 45 का सिस्टम कर दिया। लेकिन मैं आपको एक बता दूं, एक बात आसानी से आप ये समझ लीजिए कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो अब रिवाइज्ड आंसर की रिलीज की है, इसमें जो 7 क्वेश्चन डिलीट किए हैं, ये क्वेश्चन पिछले जो परीक्षा हो चुकी है उनमें सबसे हाईएस्ट क्वेश्चंस डिलीटिंग का रिकॉर्ड है मेरे अकॉर्डिंग। ये मैं अपनी प्रेडिक्शन के आधार पे आपको बता रहा हूं, 7 क्वेश्चन जो डिलीट किए हैं वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड है। पिछली परीक्षाओं में इतने क्वेश्चंस कभी शायद डिलीट नहीं हुए जो इस परीक्षा में क्वेश्चन डिलीट हुए। अब बात करते हैं, देखिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो परीक्षा अब कराई है, अब परीक्षा 100 नंबर्स की हुई थी, अब जो 100 नंबर्स की परीक्षा में से 7 क्वेश्चन डिलीट हो गए, तो क्या सभी कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है कि सभी कैंडिडेट्स सोच रहे हैं कि भैया हमको ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, हमको ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो देखिए एक चीज मैं आपको आसानी से बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो पहले भी परीक्षा कराई है, पहले भी क्वेश्चन जो डिलीट किए हैं, उनमें किसी कैंडिडेट्स को ग्रेस मार्क्स उपलब्ध नहीं कराए हैं। ग्रेस मार्क्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा किसी कैंडिडेट्स को नहीं दिए हैं। अब बात करते हैं कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ग्रेस मार्क्स उपलब्ध नहीं करा रही, तो अब ये क्वेश्चन जो डिलीट किए हैं इनका क्या होगा? देखिए अब जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा क्वेश्चन जो डिलीट किए गए हैं, उनमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्या करेगी, जो 100 नंबर्स की मार्किंग थी, 100 नंबर से जो काउंटिंग की जा रही थी, वो अगर सपोज दैट कि 7 नंबर्स के क्वेश्चन डिलीट किए गए हैं, तो अब वो मार्क्स मार्किंग हो जाएगी 93 नंबर्स पे। 93 नंबर्स पे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अपनी कट ऑफ डिसाइड करेगी, अपने पासिंग मार्क्स डिसाइड करेगी 93 नंबर के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा 7 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए हैं। इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन अपना पासिंग रिजल्ट्स डिक्लेयर करेगी, और ये आपको भी आसानी से समझ जाना चाहिए। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ने जो पहले भी परीक्षा कराई है उनमें भी ग्रेस मार्क्स उपलब्ध नहीं कराए हैं, तो इस परीक्षा में भी ग्रेस मार्क्स उपलब्ध नहीं कराएगी। लेकिन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो अब क्वेश्चन डिलीट कर दिए, उनके जो कट ऑफ है वो कट ऑफ लो कर दी जाएगी, 93 से कट ऑफ का अनुमान लगाया जाएगा, उसी के अनुसार रिजल्ट डिक्लेयर होगा। फिर भी जो भी कैंडिडेट्स चाहते हैं, या ऐसा हो सकता है कि आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से संपर्क करें, तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन आपकी समस्या का समाधान कर दे, तो आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को मेल कर सकते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से संपर्क कर सकते हैं इस रिगार्डिंग। चूंकि मैं जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ये मेरी प्रेडिक्शन पर आधारित है, ये इंफॉर्मेशन मेरे अनुमान पर आधारित है, ये मैं पिछले जो भी एग्जाम्स हुए हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको बता रहा हूं। आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन संपर्क कर सकते हैं, उनसे सही राय ले सकते हैं कि भैया ये जो अब आंसर की आपने रिवाइज्ड आंसर की रिलीज की है, अब इस आंसर की अकॉर्डिंग हमारी पासिंग परसेंटेज क्या जाएगी, क्योंकि पासिंग परसेंटेज अभी 45 है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्या 45 पे ही पास करेगी या 45 से कम कर देगी? तो आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन संपर्क कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन ग्रेस मार्क्स आपको प्रोवाइड नहीं कराएगी, लेकिन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की जो पासिंग परसेंटेज, मतलब जो 100 नंबर्स का एग्जाम हुआ था, 100 नंबर के जो एग्जाम हुए थे, वो एग्जाम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन चूंकि
सेवन नंबर्स के आंसर इन्होंने डिलीट कर दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग अब वो 93 नंबर का एग्जाम हो गया। 93 नंबर के अकॉर्डिंग आपकी पासिंग परसेंटेज अगर 45 भी है तो उसके अकॉर्डिंग ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन वहीं से आपकी कैलकुलेशन करेगी और वहीं से पास होने की जो थ्योरी है वो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। एक चीज और आपको बता दूं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा अब जो अपनी रिवाइज्ड आंसर की रिलीज कर दी है, इस रिवाइज्ड आंसर की के रिलीज करने के बाद जल्द से जल्द ही आपका रिजल्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पे उपलब्ध होगा। क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या थी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन द्वारा अभी तक अपनी रिवाइज्ड आंसर की रिलीज नहीं की थी, अब रिवाइज्ड आंसर की रिलीज कर दी है, इसी के कैलकुलेशन के आधार पर ही आपका रिजल्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। मैं उन सभी कैंडिडेट्स को बधाई देना चाहूंगा जिनके द्वारा AIB 18 की परीक्षा दी थी और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उन सभी का रिजल्ट पास में आएगा। आप अनुमान न लगाएं, 100% मैं श्योर हूं कि आपका रिजल्ट पास में ही डिक्लियर होगा। दोस्तों, आपको वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। वीडियो आपने आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।